है गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल रेसलिंग रियलिटी। तो आज का जो गेम प्ले होने वाला वो होगा डेमियन प्रिस्ट वर्सेस गुंथर वन ऑन वन मैच समर स्लैम के लिए। तो अभी तक आप लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे WWE से रिलेटेड गेम प्ले प्रेडिक्शंस एंड न्यूज अपडेट्स एंड XYZ जो आप चाहते हो। तो यहाँ पर समर स्लैम का स्टैच पूरी तरह से तैयार, पूरा फुल और हो चुकी है। यहाँ पर एंट्रेंस सबसे पहले हमारे डेमियन प्रिस्ट which represent to judgment day. Announcement Damian सुन लेते Priest हैं, has टाइटल के साथ आ arrived. गए हैं। The man who will bring judgment to all of WWE. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring, representing the Judgment Day from New York City, weighing in at 249 pounds, the World Heavyweight Champion, Damian. डेमियन प्रिस्ट का हमने सुन लिया अनाउंसमेंट, हमने भी साथ साथ कर दिया अनाउंसमेंट। तो अनाउंसमेंट आपको हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और बच्चों आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गेम प्ले आपको WWE पर मिलेंगे और बहुत ही जल्दी हम फुल स्क्रीन पर भी लेकर आने वाले हैं, जिस तरह से आप बाकी यूट्यूब्स पर देखते हो। बट अभी फैसले हम वीडियो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कुछ अपडेशन हमारे पास आना बाकी है, तो फैसले हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, फुल स्क्रीन आना हमारा चालू हो जाएगा। तो डेमियन प्रिस्ट जो सुपरस्टार की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे मूव्स हैं इनके पास, बहुत अच्छे रेसलर्स हैं। इस रेसलर की अगर बात की जाए तो उतनी कम पड़ती है क्या मूव बात करूँ रेसलर की। तो जिस तरह से इन्होंने अभी तक टाइटल रिटेन किया हुआ है ना, अच्छे अच्छे मैच। और अभी लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ ब्रॉन स्ट्रोमन जैसे सुपरस्टार को इन्होंने हराया। बात करते हैं नेक्स्ट सुपरस्टार की जो कि इंपीरियल मेंबर गुंथर 6'5" नियरली 300 pounds of pure malice. Representing Imperium from Vienna, Austria, weighing in at 297 pounds, Gunther! 6'4", 265 pounds. गुंथर सुपरस्टार की अगर बात करूं तो सुपरस्टार ये भी कम नहीं है। इनकी अच्छी रेसलिंग फैंस फॉलोइंग है, साथ साथ फिजिक की अगर बात करूं तो वो भी अच्छी है। डेमियन प्रिस्ट की बात करूं तो डेमियन प्रिस्ट की बात ही क्या अलग है। उस सुपरस्टार को मैं कंपेयर नहीं करूंगा यहाँ पर। बहुत ही सुपरस्टार दोनों के दोनों अच्छे होने वाले हैं, मैच बहुत कंफर्टेबल होने वाला है, बहुत सारी चीजें इस मैच की भाई प्रिडिक्शन करना अनप्रिडिक्टेबल है। साथ साथ इस मैच में कुछ और भी बात करूं तो वो भी डेमियन प्रिस्ट वर्सेस गुंथर मैच होगा यहाँ पर। तो डेमियन प्रिस्ट हमारा अगर मैच हो गया हो, आपका सब कुछ हो गया हो, तो हम मैच स्टार्ट कर लें अगर आप परमिशन देते हो। तो गुंथर की तरफ से हमें परमिशन मिल गया है। चलो गुंथर पीछे देखो, पीछे खड़ा पता नहीं यार सुपरस्टार वालों को क्या ये चीज़ क्या हुआ, WWE जो भी आता है सुपरस्टार में उल्टा खड़ा था, तो चेंजेस करना पड़ेगा। तो समर स्लैम मैच हो चुका है स्टार्ट, और आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो कर दे सब्सक्राइब। तो डेमियन प्रिस्ट वर्सेस गुंथर, हियर वी गो। सुपर किक और ये आया हमारे सरप्राइज फर्स्ट। इफ बाय दैट यू मीन ही विल बीट द क्रैप आउट लड़ाई में नॉट बैट एन आईलैश देन श्योर एक ही मूव में गुंथर इज अ डबल टफ एंड एब्सोल्युटली रूथलेस कंपेटिटर इन द क्लोज लाइन। इफ यू डोंट रिस्पेक्ट हिम यू विल भाई देखने को लगना चाहिए। ओह शिट, सच में ब्लड आया यार गुंथर। But across the way we have Damian Priest, an intimidating superstar with physique and ruthless. Oh shit! No! Submission! या हमारे तरफ से मिस्टेक हुआ है। चलो गुंथर कोई नहीं, रिमैच किया हमने, रिमैच किया गुंथर, तुम इस तरह से अपना एटीट्यूड नहीं दिखा ठीक है। नेक्स्ट मैच में तुम्हें डबल से बताने वाले हैं, इतनी जल्दी हम हार गए तो मैच नहीं होगा। स्टार्ट कर दो वापस से मैच। फिर से सुपर किक दिया हमने, फिर से स्टैंड पे पिट कर दिया, फिर से फेस ब्लड, ब्लड आना चाहिए। अगले बार में सबमिशन ऑफ करके expect everyone to operate on our reversal and anything less is an insult. Damian, no boy, this is going to be Gunther, tumne bhi cheez kiya na, wo cheez mein thoda bahut nahi hai, taking on someone like Damian Priest, chalo one of the most destructive forces on the WWE roster. Aur ye aaya hamara power path since when in WWE close in the slow down anytime soon. Last time to humne blood de diya tha,
मैच थोड़ा बड़ा हो तो इंटरेस्टिंग भी हो साथ साथ इस तरह से। और रिवर्सल आया। All right, back to it, returning to the ring. ये हमारा कॉम्बो मूव, ये था रिवर्सल। चलो और ये आया ऊपर से। ग्रीन पूरा चेंज हो गया, रेड में रेड चेंज हो गया पूरा। Taking on some offense, pretty expected as much. क्लोज लाइन खड़े हुआ। Gunther now finding himself on the wrong side of momentum. Perhaps Gunther needs to go back to the drawing board. रिवर्सल हो गया। Gunther catches him by surprise. ये क्या कर रहे हो गुंथर? इस तरह से मारते क्या बच्चे को? तुम तुम्हारे जैसे सुपरस्टार अगर रिच करेगा तो गुस्सा नहीं आएगा? Total disrespect. Making a mockery of your opponent could eventually backfire. क्या कर रहे हो गुंथर? उठा नहीं पाओगे। ये रहा हमारा सिग्नेचर मूव। किक आउट होगा, किक आउट होगा, नहीं फिनिश होगा, नहीं होगा। ओह शिट, रिवर्सल। अच्छा गुंथर के पास ना सिग्नेचर आ गया, तो सिग्नेचर हमें रिवर्सल और उसने फिनिशर में कन्वर्ट कर लिया उसको। ये देखो ऐसे नहीं करना चाहिए। ये था हमारा डेमियन प्रिस्ट का। चलो गुंथर खड़े हो जाओ, हम एक सुसाइड डाइव ट्राई करते हैं। कर दिया, सक्सेसफुली हम डिलीवर कर दिया। सुसाइड डाइव का मतलब यही होता है कि एक और फिर से और टॉप। अरे ये रिवर्सल हो गया, a totally ill advised decision there. थोड़ा सा जल्दी हो गया था। Slight hesitation there. और ये हम चले रिंग के अंदर। हम नहीं कूदेंगे, अब नहीं कूदेंगे, एक बार हम कूद के देख लेंगे। हमारी तरफ से रिवर्सल हो गया। हम नहीं चाह रहे कि हमारे जो ग्रीन है वो रेड में कन्वर्ट हो जाए, तुम्हारा जो रेड है उसको हम रेड में रखना चाहते हैं। बहुत अच्छा मैच है, बहुत अच्छा मैच चल रहा है, पूरा मैच बढ़िया इसके तरफ से मिलने चुका है। 3.5 स्टार, 6 स्टार को इसको लेके जाने का टारगेट रहेगा। कुछ अलग मूव्स हम भी ट्राई करने वाले। फिनिशर दे रहे, मैंने कहा था फिनिशर दे रहे हैं। अब क्या दोगे? पॉइजन वाला मेरे पास नहीं आ रहा है। टॉप ऑफ द रोप से जंप करोगे, हम कैसा लगा गुंथर? तुमने जो हमें सिग्नेचर मूव देखे, फिनिशर मूव देखे, क्या हमने जो रेड में देखे ना, वो बहुत गलत हो गया। पूरा एक ही बार में हेल चला गया, ये नहीं होना। ओके ऑलरेडी वी गेट इट, स्टॉप लुकिंग फॉर कंग्रेचुलेशन फॉर द क्राउड एंड गेट बैक इनटू द फाइट। ये रहा एक और, सिग्नेचर मूव चॉक स्लैम नहीं था। कितनी जल्दी खड़ा हुआ गुंथर? कितनी जल्दी नॉर्मली खड़े नहीं होते सुपरस्टार? शेमस किया था इसको। चलो ऑलरेडी हमारे पास 4.5 स्टार हो चुके हैं, 5 स्टार में थोड़ा और बाकी है। चलो सुप्लेक्स बॉडी स्लैम, ओह शिट, फिर से मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। पूरा रेड हो गया और एक दूसरे हालत में लड़ा गया। ये डेंजर में, हम थोड़ा सा डेंजर में आ गए और ये चेंज कर सकता पूरा मैच। अच्छा हमारे पास सिग्नेचर मूव नहीं, डर क्यों रहे हैं कि हमें रिवर्सल नहीं लग जाए, इसलिए हम डर रहे हैं क्या? सिग्नेचर मूव सिग्नेचर मूव एक और टू स्टोन चलो कॉर्नर चार्ज कहां मिलेगा? These superstars must be feeding off the WWE universe. और शिट रिवर्सल हो गया ये भी।
हमारे पास चार्ज फिनिशर है तो चार्ज फिनिशर का पता पता है उनका नहीं पता डैमेज किसका अब उसको फाउंड करने आएंगे तो पूरा मैच हार देंगे गुंदर को नीचे नहीं करना पॉल फास्ट आउटसाइड द पॉल पूरा डैमेज ही करके लेके जाएंगे लगता है डैमेज को अभी क्या चीज करने वाले वो मुझे नहीं पता है You can tell Gunther's waning, but still might have enough to deliver the ball. Three to hold for that. Punishing power slam. As this match goes on, Gunther is looking worse for wear. Gunther's down is going to the ultimate test. ये सही हो गया हमारे साथ में कुछ भी बोला हमने जिस तरह से किया वो चीज़ तो हमारे साथ नहीं उल्टी चीज़ है इतनी जल्दी पिन ले रहा है इतनी जल्दी क्यों पिन ले रहा है ये सही था एक और फिनिशर मैच खत्म ओह शिट मैंने कहा था हम चार्ज फिनिशर ढूंढने जाएंगे तो हमारा मैच खत्म हो जाएगा और वही चीज हुई तो गाइस इसको मैं इस बार कंटिन्यू नहीं करूंगा नए हाइलाइट्स में नए अपडेट्स के साथ